So I'm going to show you how this mode operates. So पहले आपको क्या करना है, इंडिकेटर स्विच जैसे आप नॉर्मली ऑन करते हो वैसे ही ऑन करेंगे, लेफ्ट और राइट कोई सा भी. एंड देन जो हमने स्विच दे रखा है इसके लिए हैज़ार्ड मोड, तो आप इस स्विच को क्या करोगे, टिप करोगे. तो देखो दोनों ग्लो होने लगे, कोई भी लेफ्ट और राइट अगर आप ऑन करोगे तो दोनों चलेगा, और जैसे ये स्विच ऑफ करोगे तो जिस साइड का आपने दे रखा है सिर्फ वही चलेगा. राइट सी, अभी एक साइड का. अब मैं मोड ऑन करता हूँ, दोनों ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया, सिंपल सा. तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको पहचानना है कि इंडिकेटर वाला वायर है कौन सा. तो अगर आपके पास FZ है वर्जन 3, तो पहले आप जो सीट खोलोगे तो ये आपका ECU है. आप ECU को ऐसे ऊपर खींच के निकाल दोगे एंड ये फिर आपको हार्नेस दिख रही है जिसमें इस तरह का कैप दिखे, और पीछे ब्रेक, ये जो ब्रेक लाइट वगैरह में जो ये वायर्स जा रहे हैं उससे आप राउटिंग को पहचान सकते हो ऐसे. और उसमें क्या होगा, आपको इस तरह के उसमें प्लास्टिक के कवरिंग्स दिखेंगे, ये आपको अलग से पहचान में आ जाएगा इस तरह के. तो इसमें क्या है, आपको हल्का सा ये प्लास्टिक वाला जो है इसका कोटिंग है ना, इसको काट लेना है और इसके अंदर वायर लपेट देना है मेटल पार्ट पे. देखो तो यहाँ पे मैंने वायर कनेक्ट कर दिया है, और ये वायर है, ये वायर. तो इस तरह से फिर आप इसको कनेक्ट करके टेप कर दो एंड देन. सो इफ़ यू सी, ये जो वाइट वायर है जो राउट करके लाया हूँ मैं आगे से, तो ये वाइट वायर में क्या है, दो वायर्स हैं यहाँ पे. राइट, तो ये वायर क्या कर रहा है, ये जो यहाँ पे आप हार्डनेस देख रहे हो ना, तो इस हार्डनेस को बेसिकली, इस हार्डनेस के अंदर जो इंडिकेटर के वायर्स आते हैं ना, उसको मैंने स्विच के थ्रू शॉर्ट कर दिया है. राइट, तो दिखाता हूँ. हमने स्विच लगाया, तो उस स्विच में दो टर्मिनल्स होंगे, ठीक है. तो एक टर्मिनल से वायर कनेक्ट करके हमको लेफ्ट इंडिकेटर वाला जो वायर है जिसमें 12 वोल्ट का पावर आता है उसमें लगा देना है. दूसरे वाले को क्या करना है, ये दूसरे वाले टर्मिनल से दूसरा वायर लेना है, और ये हमको राइट इंडिकेटर वाले वायर में लगा देना है यहाँ पे, ठीक है. तो इस तरह से सिंपल सा कनेक्शन है, और आपको जैसा भी ठीक लगे राउट कर लो उस हिसाब से, बाइक में वायरिंग प्रॉपर चला दो. अब मैं बताता हूँ ये काम कैसे कर रहा है, ये वायरिंग पूरा. यहाँ देखो, अब हमने हज़ार्ड स्विच लगाया. अब एज्यूम करो हज़ार्ड स्विच नहीं है, हज़ार्ड स्विच नहीं है, तो मेरा मेन इंडिकेटर स्विच है. मेन इंडिकेटर स्विच में क्या जा रहा है, बैटरी का 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट का कनेक्शन एक जा रहा है आपको इंडिकेटर स्विच में, इंडिकेटर स्विच के अंदर पावर बेसिकली जा रहा है जो बैटरी का 12 वोल्ट है, और एक है निगेटिव यानी ग्राउंड वायर. तो कनेक्शन कैसे जाता है, अब इंडिकेटर स्विच में हम लेफ्ट और राइट का सिग्नल देते हैं तो लेफ्ट या राइट का इंडिकेटर लाइट जलता है, करेक्ट. तो कुछ कनेक्शन ऐसे होता है, तो ये इंडिकेटर स्विच का जो ये रेड वाला है ये लेफ्ट इंडिकेटर को जा रहा है, और ये वायर 12 वोल्ट जो है पावर कैरी करता है और इस इंडिकेटर में इंडिकेटर के वायर को देता है, यहाँ से स्विच से ले जाता है. और ये ऑरेंज वाला वायर क्या करता है, ये राइट वाला इंडिकेटर को 12 वोल्ट का कनेक्शन देता है, ठीक है. और ये ग्राउंड वाला वायर कॉमन, यानी दोनों का जो ग्राउंड है वो कॉमन रहता है. 12 वोल्ट का मतलब लेफ्ट का अलग होता है और राइट का अलग होता है. हमने क्या किया, अब हमको क्या करना था, इंडिकेटर को साथ जलाना था, ओके. तो हमने क्या किया, एक स्विच लगा दिया. अब हमको क्या करना है कि किसी एक में अगर पावर आ रहा है लेफ्ट या राइट में, किसी एक में पावर आ रहा है तो उसका पावर दूसरे को दे देना है. मान लो लेफ्ट में पावर आ रहा है तो मुझे राइट जलाने के लिए राइट को भी पावर चाहिए. तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो क्या करोगे, सिंपल यहाँ से एक वायर लोगे और इसमें ऐसे कनेक्ट कर दोगे, यानी इस वायर का इससे कनेक्शन कर दोगे लेफ्ट और राइट का, तो इसका 12 वोल्ट इसमें भी चला जाएगा और दोनों जलने लगेंगे. लेकिन हमको क्या करना है भाई,
वो अपना एक स्विच रखना है ताकि हमको जब मर्जी हो तब हम उसको चला सकें। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक स्विच दे दिया। तो इसका वायर स्विच को दे दिया और स्विच से दूसरा वायर इसको दे दिया। तो जब हम जैसे ही ऑन करेंगे तो देखो, सपोज़ ये जब ऑन कर दिया स्विच, तो ये दोनों वायर आपस में कनेक्ट हो गए। अब ये दोनों वायर कनेक्ट हो गए, इसका मतलब मेरा लेफ्ट और राइट एक हो गया, कनेक्ट हो गया, यानी इसका पावर इसको जाएगा, इसका पावर इसको जाएगा। अब मैंने ऑफ़ किया, तो सपोज़ ये वायर डिसकनेक्टेड है, बीच में समझो वायर काट दिया है, तो यानी ये अलग एंटिटी है, ये अलग एंटिटी है। तो इस केस में क्या होगा, जिसको आप पावर दोगे सिर्फ वही चलेगा। तो ये बहुत ही सिंपल कनेक्शन है इसका, ऐसे काम करता है ये। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखो, ये दो वायर्स हैं, तो ये स्विच से होते हुए आ रहे हैं। तो ये क्या करता है, शॉर्ट करता है बेसिकली। सो सपोज़ आपने एक इंडिकेटर स्विच का सिग्नल दिया, तो किसी, तो ये दो हैं लेफ्ट और राइट के, ये लेफ़्ट का पावर है और ये राइट का है, या वैसे वर्षा, दोनों में से कोई एक लेफ्ट राइट है। तो हमारा पर्पस क्या है, एक जले तो दूसरा भी जले। तो हमें क्या करना है, जो पावर आ रहा है वो दूसरे को भी पहुंचाना है, ठीक। तो हमने क्या किया, ये जो दोनों पॉजिटिव वाला वायर है उन दोनों में वायर डाल दिया। सो देखो, एक वायर इसमें लगा हुआ है, एक वायर इसमें लगा हुआ है, करेक्ट। और मैंने उसको टेप कर दिया अच्छे से, एक वायर इसमें है, एक वायर इसमें है, टेप कर दिया। तो यानी ये 12 वोल्ट इसमें आता है आपका लेफ्ट इंडिकेटर समझ लो, और ये राइट इंडिकेटर। तो इसमें, तो जैसे ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्विच एक्टिवेट करता हूँ, राइट। तो जैसे स्विच एक्टिवेट किया तो एक में 12 वोल्ट आया। अब एक में 12 वोल्ट आया, तो अब चूंकि मैंने क्या किया, ये वायर को इससे, इस वाले वायर से कनेक्ट कर दिया, तो यानी 12 वोल्ट का सिग्नल इस पर भी जाएगा। तो इन दैट केस अगर एक पे 12 वोल्ट गए तो दूसरे पे भी गया, तो इस तरह से जलने लगता है।